ननाव में भाजपा की स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की। उसके बाद ग्राम पंचायत खलूड भंडोला और बारी के लोगों का चुनाव में प्राप्त जन समर्थन के लिए आभार प्रकट किया और लोगों की जन समस्याओं को सुना। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का 6 अप्रैल 1980 को भाजपा की स्थापना हुई थी। भाजपा ने 38 वर्ष के कार्यकाल में सुशासन के उद्देश्य को लेकर अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और अच्छा शासन दिया। आज भाजपा की सरकार है, हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में स्थापित हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़िया शासन पूरे हिंदुस्तान में दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश के लोगों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं आरम्भ की है। सरकार अंत्योदय और लाइन में सबसे पीछे खड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने के लिए सुलह के कार्यकर्ताओं को यह कार्य मिशन के रूप में करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि सुलह के 130 पोलिंग बूथों में अधिक से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन, गरीब लोगों के लिए आवास और स्वरोजगारों के लिए युवतियों को सिलाई मशीनें उपलब्ध करवाने में बेहतर कार्य करेंगे। इस कार्य में श्रेष्ठ आने वाले बूथों को प्रोत्साहन के रूप में 10 लाख रुपए पंचायत के विकास कार्यों के लिए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुलह हलके को विकास के क्षेत्र में प्रदेश में शीर्ष पर पहुंचाना ही उनकी प्राथमिकता है और इस दिशा में भी प्रयासरत है। सर, जो आज भाजपा का स्थापना दिवस है उसका अपने क्या संदेश देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। आज भारतीय जनता पार्टी 38 वर्ष की हो गई और इस 38 वर्ष के कार्यकाल में पार्टी ने सुशासन, अच्छा शासन, आम जनता के लिए योजना, इस उद्देश्य को लेकर के अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और आज हर्ष व खुशी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में स्थापित हो गई है और हमारे लिए हर्ष इस बात का है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी बढ़िया शासन हिंदुस्तान में दे रहे हैं और हिंदुस्तान का डंका, या मैं कह सकता हूं कि विचार, आज पूरे विश्व में गूंज रहा है। ये सब कुछ छोटे से कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है और मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि इस स्थापना दिवस के मौके पर हम सभी कार्यकर्ता संकल्प लेंगे कि हम हर व्यक्ति के जरूरतमंद के काम में आ सकें और अंत्योदय की भावना से हम काम करें। लाइन में जो सबसे पीछे है उसके लिए हम खड़े हों, यही हमारा, मेरे लिए भी और आम कार्यकर्ताओं के लिए भी यही संदेश है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि लोगों को बेहतर और घर द्वार गुणात्मक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने शिमला शहर के जहां वाहनों की आवाजाही के लिए दिक्कत है, इस क्षेत्र के लिए 108 मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सुविधा आरम्भ की है। उन्होंने कहा कि ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरंभ किया गया है और आने वाले समय में ये सुविधा धर्मशाला और मंडी में भी आरंभ करने का विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये एम्बुलेंस बीमार आदमी को घर द्वार प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी और इसमें 16 दवाइयां, ऑक्सीजन, ब्लड शुगर, ईसीजी इत्यादि सुविधा उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम की कार्ड सिविल अस्पताल भवारना में भी बनाने के लिए आदेश दिए गए हैं और इस योजना में अब तक 5000 कार्ड निर्मित कर दिए गए हैं। कार्यक्रम में मंडला अध्यक्ष देशराज शर्मा, महामंत्री एवं खाद्य बोर्ड के उप निर्देशक चंद्रवीर पॉल आदि मौजूद रहे। मोटरसाइकिल वैसे तो हिमाचल प्रदेश में 108 एम्बुलेंस काम कर रही है
परंतु ये जो अभी हाल में ही हमने कुछ दिन पहले मोटरसाइकिल एम्बुलेंस शुरू की है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने शिमला विधानसभा श्री जयराम ठाकुर जी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों इसका शुभारंभ करवाया। ये फर्स्ट इन्फॉर्मर होंगे, क्योंकि शिमला में कई स्थान ऐसे हैं जहां पर 108 नहीं पहुंच पाती, तो जब खबर 108 हेडक्वार्टर को पहुंचेगी तो तुरंत तालमेल बिठाते हुए ये मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं उन स्थानों पर पहुंचेंगे और वहां पर उपचार देंगे। 16 दवाइयां होंगी, ऑक्सीजन सिलेंडर उसमें है, इसके अलावा वहां पर सारे शुगर का टेस्ट उसमें होगा, ब्लड प्रेशर, ईसीजी इत्यादि इत्यादि, उस सारे मोटरसाइकिल राइडर उस एम्बुलेंस में निहित होंगे। इंशाल्लाह मंडी भी इस प्रकार की योजनाएं शुरू कर रहे हैं, और ये सफल रही तो शिमला में मोटरसाइकिलिस्ट या एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाएगी, ये बताना चाहता हूँ। सर, एक ना जीबीके ने ये कहा था पहले, कुछ प्रपोजल रखा था कि मोटर बोट एम्बुलेंस भी चलाएगी, उस जहाँ पानी जहाँ जिसे और बहुत योजनाएं हैं उनकी, उनके पास जैसे ये 108 एम्बुलेंस है, उसके बाद ये मोटरसाइकिल एम्बुलेंस हो गई या बोट एम्बुलेंस हो गई, और भी योजनाएं उनके पास काफी हैं। वो विभाग के पास विचाराधीन है कि कौन सी योजना कहां पर लोगों के हित में है, इसलिए आने वाले दिनों में उस पर उसको प्रोसेस किया जाएगा। यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन कार्ड यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम लगभग 5000 से अधिक कार्ड बन चुके हैं, परंतु आने वाले दिनों में जो हमारा सिविल हॉस्पिटल बभारना है 50 बेडेड, वहां पर भी ये कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।